स्वागत है जी आप सभी के YouTube चैनल टेक्निकल भाटी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको व्हीकल ट्रांसफ़र की जानकारी बताने वाला हूँ। अगर आप वाहन की ओनरशिप दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, क्लिक यहाँ पर कर दीजिए। परिवहन की ऑफिशियल साइट ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा किस स्टेट का आपका व्हीकल है। अब यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको आरटीओ नहीं पता तो सिंपली व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप बाय सेलर यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो या सर्विसेज पे क्लिक करके आरसी रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करके ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप पे क्लिक करके सेल पे क्लिक करके एप्लीकेशन बाय सेलर पे आप क्लिक कर सकते हो। अब इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। यहाँ पे चेसिस नंबर की लास्ट की 5 डिजिट डालिए और वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। तो ऑथेंटिकेट अगर आप आधार से करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, मोबाइल से करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करिए। अब जैसे मैं मोबाइल ओटीपी के थ्रू करना चाहता हूँ तो क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। अब इस तरीके से आ जाता है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जो मोबाइल पे ओटीपी आया है वो यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करें। अब इस तरीके से ऑप्शन ओपन होके आ जाएंगे। अगर आप ओनली ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप पे क्लिक कीजिए। एचपी टर्मिनेट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। मल्टीपल ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप और एचपी टर्मिनेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप वाले बॉक्स पे। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे बायर की डिटेल डाल दीजिए। जिसने वाहन ख़रीदा है, जिसके नाम पे वाहन ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर डल जाएगी। पर्पस यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेल है या जो भी है पर्पस यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमारे केस में सेल है तो सेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, ऑटोमेटिक आ गया है। वैसे नाम न्यू ऑनर नेम, तो जो बायर है जिसके नाम पे वाहन ट्रांसफ़र हो रहा है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। एज पर डॉक्यूमेंट आप डालिएगा। यहाँ पे ओनरशिप टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि इंडिविजुअल के नाम पे हो रही है या फर्म के नाम पे, तो जो भी वो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जैसे इंडिविजुअल के नाम पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस केस में इंडिविजुअल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे जिसके नाम पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके फादर या हस्बैंड नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। न्यू ऑनर कैटेगरी जनरल है या ओबीसी है या एससी है या एसटी है, वो सेलेक्ट यहाँ पे कर लीजिए। सेल अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप इसको चेंज करके कुछ और डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। सेल डेट डाल दीजिएगा किस डेट में सेल की गई है। यहाँ पे न्यू ऑनर का मोबाइल नंबर डल जाएगा, जो खरीदार वाहन का जिसके नाम पर वाहन ट्रांसफ़र हो रहा है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डल जाएगा। उसके बाद सेव बॉक्स पर क्लिक करके सेव पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे हमारे केस में हम एच पी भी टर्मिनेट कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे बैंक नाम दिख जाएगा, बैंक या फाइनेंसर नेम यहाँ पे दिख जाएगा, टाइप यहाँ पे दिख जाएगा, एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा, फ्रॉम कब से लोन चढ़ा है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब टर्मिनेट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी डेट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेव पे क्लिक कीजिएगा। ये जो डेट है वो आपको जो बैंक की तरफ से आपको एनओसी मिली है या फॉर्म 35 मिला है उसमें भी डेट दिख जाएगी, वो डाल दीजिएगा और सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यस पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से ऐड होके आ जाएगा। एडिट अगर आप करना चाहते हो, कुछ गलत आपसे डल गया है तो एडिट पे क्लिक करके भी एडिट आप कर सकते हैं। इस बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होके आ जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हो।
या ओके पे क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब बायर के थ्रू आपको प्रोसीड करना है, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप बाय बायर्स। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो या सर्विसेज पे क्लिक करके, आरसी रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करके, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप पे क्लिक करके, सेल पे क्लिक करके, एप्लीकेशन बाय बायर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, दो तरीके में से कोई से को भी आप फॉलो कर सकते हो। एप्लीकेशन बाय बायर्स, तो एप्लीकेशन बाय सेलर वाला आपने कंप्लीट कर दिया है, इसको आप यहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बायर वाला आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सेलर वाला कंप्लीट किया था, अब हमको बायर वाला कंप्लीट करना है। जो खरीदार वाला वो अब उसकी डिटेल हमको कंप्लीट करनी है, एड्रेस उसका डालना होगा। तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप पे क्लिक करके, सेल पे क्लिक करके, एप्लीकेशन बाय बायर्स पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। सेलर के थ्रू जब आपने प्रोसीड किया था तो एक टेम्परेली एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुई थी, वो आपको यहाँ पे डालनी है और वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालने के बाद वेरीफाई डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो बायर का मोबाइल नंबर आ जाएगा। जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए, ओटीपी यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे एड्रेस की डिटेल डाल दीजिएगा, जिसके नाम पे वाहन ट्रांसफर हो रहा है तो उसका जो करंट एड्रेस है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, परमानेंट एड्रेस की डिटेल उसकी यहाँ पे आ जाएगी। करंट और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है उसका तो सिंपली सेम एज करंट एड्रेस पे क्लिक करोगे, करंट और परमानेंट एड्रेस सेम हो जाएगा। इस पेज में नीचे की तरफ आओगे, पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। पेमेंट यहाँ पे आपको दिख जाएगी, टोटल कितनी पेमेंट आपको करनी है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक करते हैं, इस बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं और कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लीजिएगा, SBI मल्टी बैंक पेमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये सिर्फ गेटवे है, जो भी आपका बैंक है वो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है। स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करें, UPI से पेमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, इनके नाम पे कार्ड है, कार्ड नंबर यहाँ पे डाले, किस मंथ ईयर में एक्सपायर हो रहा हो यहाँ पे डाले, CVV कोड की 3 डिजिट यहाँ पे डाले, कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी। उसके बाद पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक कीजिएगा। अब कार्ड से जो मोबाइल लिंक है OTP उस पर चला गया है, OTP यहाँ पे डाल के कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। इस पेज पर आप 10 सेकेंड वेट कर सकते हो या क्लिक हेयर पर क्लिक कर सकते हो। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से फॉर्म 29 आप निकाल लीजिएगा, यहाँ से फॉर्म 30 निकाल लीजिएगा, 2 या 3 कॉपी फॉर्म 29 की निकाल लीजिएगा, 2 कॉपी फॉर्म 30 की निकाल लीजिएगा, यहाँ से फॉर्म 35 आप निकाल सकते हो। और अगर आपको बैंक की तरफ से ऑलरेडी फॉर्म 35 मिल गया है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। रसीद निकालना चाहते हो, पेमेंट रसीद निकालना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करके निकाल सकते हो। अब डॉक्यूमेंट का मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट आप किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करोगे, अब ओके भी क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे फोटो अपलोड कर दीजिएगा, जिसके नाम पे वाहन ट्रांसफर हो रहा है उसका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्म 29 अपलोड कर दीजिएगा, जो आपने फॉर्म 29 प्रिंट निकाल के भरा है, साइन जिस पे किए हैं, तो फॉर्म 29 यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, फॉर्म 30 यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। बैंक की तरफ से जो आपको फॉर्म 35 मिला है, या फिर आपने जिस पे साइन कराए फॉर्म 35 पे जो आपने भरा है, तो फॉर्म 35 यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे आप एड्रेस प्रूफ अपलोड कर कीजिएगा, जिसके नाम पे वाहन ट्रांसफर हो रहा है, जो खरीदार है वाहन का, तो उसका एड्रेस प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिएगा कि एड्रेस प्रूफ में आप क्या अपलोड करना चाहते हो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड कर दीजिएगा, जिसके नाम पे वाहन ट्रांसफर हो रहा है। तो आप अगर आधार अपलोड करना चाहते हो तो आधार कर सकते हैं। तो जो भी आप अपलोड करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो।
पीओपी प्रूफ के लिए डेट ऑफ बर्थ उसमें होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे फोटो अपलोड कर दीजिएगा, जो वाहन बेच रहा है, जो वाहन ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद ई रिक्शा या ई कार्ट है अगर, तो उस केस में ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे अपलोड होगा। अगर ई रिक्शा या ई कार्ट में कोई नहीं है तो यहाँ पे कुछ अपलोड मत कीजिएगा, इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। बाकी अगर एनओसी आपने इशू करा रखी है, वो आपको अपलोड करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हो। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए प्रोसीड फर्दर पे क्लिक कीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप इस पेज पे नहीं आए हो, एरर आ गया है, तो उसका भी तरीका मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। पेमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करके निकाल सकते हो। प्रिंट रिसिप्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, अब इस तरीके से रसीद ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकालना चाहते हो प्रिंट आप निकाल सकते हो। यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है, स्लैश से पहले जो एप्लीकेशन नंबर है, इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे, स्टेटस देखोगे, तो इस एप्लीकेशन नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन फाइनल सबमिट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज टेक अपॉइंटमेंट नाउ एंड विजिट आरटीओ ऑन शेड्यूल डेट। अब अपॉइंटमेंट का मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो। अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर आपको रसीद पे भी मिल जाएगी, या जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे स्टेटस पे क्लिक करके, नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके, गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालोगे, एक कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल के, एक कैप्चा यहाँ पे डाल के गेट यूजर डिटेल्स पे क्लिक करोगे, अब इस तरीके से व्हीकल ऑनर और व्हीकल की डिटेल ओपन होकर आ जाएगी। इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा किस डेट का अपॉइंटमेंट आप करना चाहते हो। उसके बाद इस पेज पे राइट साइड में आओगे, बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और बुक यूजर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, यस पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। अब इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, प्रिंट निकालना चाहते हो प्रिंट निकाल सकते हो, डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड आप कर सकते हो। जिस डेट का भी आपने अपॉइंटमेंट लिया है, उस डेट में आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। बाकी पेमेंट रिसिप्ट किस तरीके से आप निकाल सकते हो, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट किस तरीके से निकाल सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके रीप्रिंट अपॉइंटमेंट स्लिप पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर डाल के आप अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हो। अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करना चाहते हो या पेमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हो, तो रीप्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, यहाँ पे चेसिस नंबर के लास्ट 5 डिजिट डालिएगा, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के शो डिटेल्स पे क्लिक करके, प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हो, या डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। बाकी अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो या डॉक्यूमेंट चेंज या मॉडिफाई करना चाहते हो, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, यहाँ से चेंज या अपडेट आप कर सकते हो डॉक्यूमेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया ये आपको लेके जाने है। वहीं अगर आपका कॉमर्शियल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो उस केस में व्हीकल की टैक्स रिसिप्ट, परमिट, फिटनेस और अदर जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाने होंगे। तो जैसे ही आप वहाँ पे वेरीफाई करा दोगे डॉक्यूमेंट, उसके बाद यहाँ से आप स्टेटस देख सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है। एप्लीकेशन नंबर वाइज भी देख सकते हो, या दूसरा तरीका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालिएगा, ये कैप्चा यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो आपको दिख जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई हुई है या अप्रूवल हुआ है, तो वो पूरा आप देख सकते हो। जैसे ही वेरीफाई और अप्रूवल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आरसी प्रिंटिंग में चली जाती है। जैसे ही आरसी प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद आप आरटीओ जाके भी कलेक्ट कर सकते हो। स्टेटस यहाँ पे आपको दिख जाएगा, नीचे की तरफ आओगे ये डिटेल डाल के, तो दिख जाएगा कि आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, अप्रूवल कंप्लीट हुआ है। जैसे अप्रूवल कंप्लीट हो जाता है, नीचे की तरफ आओगे तो आरसी प्रिंटिंग का दिख जाएगा, वो आपको दिख जाएगा आपका
अभी पेंडिंग में है या प्रिंट हो गई, तो वो आपको दिख जाएगा। जैसे प्रिंट हो जाएगा उसके बाद आप RTO जाके कलेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरी जानकारी है। बाकी व्हीकल रिलेटेड और भी जानकारी आपको चाहिए तो सिंपली यहाँ पे डाल दीजिएगा व्हीकल। व्हीकल रिलेटेड जितनी वीडियो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जो जो वीडियो हमने अपलोड कर रखी है वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। बाकी सोशल साइट पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिए हुए हैं, सोशल साइट पर आप जुड़ सकते हो। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से, सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।